जी हाँ, दिग्विजय सिंह जानते तो होंगे आप, नाम तो सुना होगा। संगियों के निशाने पर रहने वाले और ज्यादा से ज्यादा ट्रोलरों का शिकार बनने वाले राजा दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा नए अंदाज के साथ और उसी बात से जिस बात से आजकल आप घबराए हुए होंगे, कुछ लोग चौंके हुए होंगे, किन्हीं को लगता होगा अब इस देश का होगा क्या। हाँ, झूठी कहानियों को सच्चा साबित करने के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल ब्रांडिंग करने पर उतारू हैं। जी हाँ भाई बहनों, पीछे आपने सुना होगा मोदी जी ने कभी रिलायंस के लिए प्रचार किया था, अब एक झूठी कहानी जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि 2000 के करीब कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, जो कि सरासर गलत है। जबकि कश्मीरी पंडितों के संघ का जो एक संघ है, यूनियन है, उनके आधिकारिक आंकड़े हैं 690 के आसपास, सरकारी आंकड़े थे 500 के समथिंग। जो सच है वो दिखाया नहीं जा रहा और जो झूठ दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि इस तरह की पिक्चरें जो है देखना बहुत अच्छी बात है, पहले नहीं बनती थी, गांधी जी को कौन जानता, अगर गांधी जी के पीछे भी कोई पिक्चर बनती तो शायद ऐसा हो जाता, शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को बेन किंग्सले के बारे में नहीं पता कि जिस भी बेन किंग्सले ने पिक्चर बनाई थी, जी हाँ पिक्चर बनाई थी गांधी के नाम पर, वो शायद आजकल की पीढ़ी को पता नहीं। आजकल की पीढ़ी का तो हिसाब किताब ये है कि पीढ़ी से पूछने लगो आज की पीढ़ी से, गांधी जी कौन थे पता नहीं, वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे पता नहीं, बस वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का पता है। बीजेपी वाले जो ठहरे काफी ज्यादा विचारधारा जो है, बीजेपी के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल की पीढ़ी जो इतिहास में यकीन नहीं रखती, जैसा उनको देख दिखा दिया जाएगा वैसा वो मान जाएंगे। लेकिन यहां पर लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है, अब इस लड़ाई में कूदते हैं। जी हां, दिग्विजय सिंह जानते तो होंगे आप, नाम तो सुना होगा, संघियों के निशाने पर रहने वाले और ज्यादा से ज्यादा ट्रोलरों का शिकार बनने वाले राजा दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता। जी हाँ, ट्विटर पर उन्होंने कुछ खुलासे किए, उन्होंने खुलासे किए कि जब महाभारत, याद तो है ना महाभारत, महाभारत ये शायद पेन आपने सुनी होगी कि जब महाभारत को लिखने के लिए बोला गया, महाभारत सीरियल बनाने के लिए बोला गया, तो यश चोपड़ा साहब ने वो किया और डॉक्टर राही मासूम रजा, जी हाँ अच्छी तरह नाम सुन लीजिए, डॉक्टर राही मासूम रजा को उन्होंने बोला कि आप जो हो महाभारत की पटकथा लिखो। भाई राही मासूम रजा मुसलमान, अगर बीजेपी का राज होता तो क्या किसी मुसलमान से वो महाभारत लिखवाई गई होती, शायद नहीं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि आज भी नफरत फैलाने वालों की गड्डी हमारे प्यार मोहब्बत के बड़े कटर से बहुत छोटी है, लेकिन हम नफरत फैलाने वाले लोगों को मोहब्बत के रास्ते पर लाने के लिए निडर होकर प्रयास करना चाहिए, कठिन है लेकिन असंभव नहीं, अंत में जीत मोहब्बत और भाईचारे की होगी। कौन सी किताब लिख दी, अब ये सब कुछ लिखने के बाद जो थे राजा दिग्विजय सिंह बताते हैं कि राही मासूम रजा ने जब सीरियल महाभारत लिखा तो उनके घर उससे पहले घटना होती है कि जब लिखा तो उन्होंने मना कर दिया तो लोगों की जो थी काफ़ी चिट्ठियां आई, जिसमें चोपड़ा साहब को खत लिखा कि एक मुसलमान ही मिला है महाभारत लिखवाने के लिए। चोपड़ा ने सारे खत राही मासूम रजा साहब के पास भेज दिए और उन खतों को देखने के बाद राही मासूम रजा ने यश चोपड़ा से कहा, क्या कहा, अगर मैंने बता दिया तो सुलग जाएगी भक्तों की। जी हाँ, उन्होंने कहा अब मैं ही लिखूंगा महाभारत क्योंकि मैं भी गंगा पुत्र हूं। ये था वो जज्बा एक आर्टिस्ट का हिंदुस्तान के लिए, अजीमोशान भारत के लिए। क्या इस तरह का बड़ा दिल लेकर के घूमता है कोई संघ का आदमी, शायद नहीं। राही मासूम रजा ने जब टीवी सीरियल महाभारत लिखा तो उनके घर खतों का अंबार लग गया, लोगों ने खूब तारीफें की और खूब दुआएं भेजी, इतने खत आए कि खतों के कई गट्ठर बन गए, लेकिन एक बहुत छोटा सा गट्ठर उनकी मेज के किनारे सब खतों से अलग पड़ा था। जब उनसे भजे पूछी गई तो जवाब मिला, ये वो खत हैं जिनमें मुझे गालियां लिखी गई हैं, कुछ हिंदू इस बात पर नाराज हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसलमान होकर महाभारत लिखने की। यह है वो कहानी, यह है कहानी है वो 70 साल के लोकतंत्र की जिसमें मोहब्बतें जिंदा थी, और आज की दुनिया में नफरतों के अंधेरे में अगर मोहब्बतों का चिराग जलाने निकलोगे तो तुम्हारा चिराग भुजा दिया जाएगा।
दोस्तों कैसा लगा ये खुलासा दिग्विजय सिंह का, किस तरह से बार हुआ है? अच्छा है, आपको पसंद आया हो तो भैया शेयर कर देना, ट्वीट कर देना, अपने कमेंट डालना मत भूलिएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह ऐसे खतरनाक लहजे में दिखाई दिए हैं, अपने तरीके से जवाब दिया है कश्मीर फाइल्स का। और कश्मीर फाइल के बारे में बता दूं, इस पिक्चर को मतलब जब ये रिलीज हुई तो इस पिक्चर को देखने कोई नहीं जा रहा था। फिर क्या होता है कि ये इसके जो वो होते हैं क्या कहते हैं डायरेक्टर साहब मोहन भागवत से मिलने संघ जाते हैं, संघ प्रमुख से। उसके बाद मोदी जी तारीफ करते हैं इस पिक्चर की, और उसके बाद टिकट ले लेकर के संघ ही नफरत फैलाने वाली इस पिक्चर को लोगों को दिखा रहे हैं, डाउनलोड की जा रही है, घर घर में ये पिक्चर पहुंचाई जा रही है। उसमें लोमहर्षक चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसे कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, मार दिया गया, रेप कर दिया गया, ब्ला 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 ब्ला। लोग बोल रहे हैं अगर कश्मीर फाइल पर फिल्म बनी है तब फिर राफेल पर भी फिल्म बननी चाहिए, गुजरात के दंगों पर भी फिल्म बननी चाहिए। तुमसे एक दिन तुम्हारा लहू जवाब जरूर मांगेगा, तुम्हारा गरेबान पकड़ के साहेब, वो दिन जरूर आएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।